हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एमसीक्यू थ्योरी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आपके जो पाइथन का है, हमने पिछले वीडियो में को पढ़ाया था एल्गोरिथम के बारे में, बताया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, यानी मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाया तो वहाँ आपको थोड़ा ना थोड़ा समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, और एल्गोरिथम का यूज़ करना हमें क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। और फ्लो चार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हम। फ्लो चार्ट देखो, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों जैसे एक ही होते हैं यार। देखो, एल्गोरिथम ये होता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें एल्गोरिथम का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, यानी प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है। एल्गोरिथम अगर हम कोई प्रोग्राम बनाने से पहले अगर हम उसका एल्गोरिथम बना लें तो हमारे जो प्रोग्राम में ना एरर बहुत ही कम आती है, ठीक है। तो अगर सिंपल सबसे कोई पूछे कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप बताना है वहाँ पर कि एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का, हल करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। मेरे भाई, अगर आप कहीं पे कोई चीज़ प्रोडक्ट कुछ खरीदते हैं या कुछ भी बनाते हैं, आप एक घर भी बनाते हैं भाई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं, रूल लगते हैं, नियम लगते हैं। अगर आप बिना उन स्टेप के रूल के बनाना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत गलत होगा। तो आप इसे पाइथन भी ले लीजिए कि अगर बिना आप स्टेप बनाए, बिना कुछ सोच समझे अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे तो सोचिए उसमें कितनी एरर आएगी। तो इसी चीज़ को, हमें एरर को कम करने के लिए हम एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम ये होता है। और फ्लो चार्ट क्या होता है? देखो, फ्लो चार्ट भी वही चीज़ होता है कि हमें प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो हमारा होता है ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट द्वारा, इन्हें हम सिंबल द्वारा, इन्हें हम एक विशेष सिंबल द्वारा, इन्हें विशेष जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट द्वारा होता है ना, इनके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करके, इसको डिजाइन करके बनाते हैं। तो आपको यही यहाँ पर लिखना है कि फ्लो चार्ट जो होता है किसी प्रोग्राम के लॉजिक सिक्वेंस लिखने या बनाने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी प्रोग्राम के, कोई लॉजिक सीक्वेंस लिखनी है आपको, ढांचा बनाना है, तो ये एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट। इसका नाम ही फ्लो चार्ट है, ये चार्ट जो भी होगा चार्ट द्वारा सब इसमें प्रदर्शित होगा, रिप्रेजेंट होगा। फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए नियत ग्राफिकल शेप्स का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी डिफिनेशन है मेरे भाई कि फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक नियत ग्राफिकल शेप्स का यूज कर सकते हैं, जिसके अपने अपने मायने होते हैं, यानी हर शेप्स का अपना अपना एक मायना भी होता है, हर शेप्स का अपना अपना वर्क होता है कि कौन सा शेप क्या काम करता है, ये आपको आगे भी अभी पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आए। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ होता है, ठीक है। इन्हें आप इसके कुछ करेक्टरिस्टिक भी बोल दे सकते हैं, ठीक है, विशेषता बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर संक्षिप्त में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे संक्षिप्त में इंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं, ठीक है, इन्हीं सिंबल के अंदर हम इनके इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट है, एरो के सिंबल से हम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन बता जाता है। जो हमारा एरो सिंबल ऐसा कुछ बने होता है भाई, तो क्या वो डायरेक्शन बताता है, यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में आएगा, एरो सिंबल यही बनाता है, ठीक है। आप भी जैसे कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आगे आप उसमें एरो का सीन बना देते हैं, जैसे आपने लिखा ISP, उसके आगे आपने एरो का सीन बना दिया, आगे लिख दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फुल फॉर्म लिख दिया, यानी आप जो एरो का डायरेक्शन बनाए हैं तो वहाँ पर आप बता रहे हैं इस ISP का फुल फॉर्म सामने यहाँ पर लिखा है। तो जो एरो का हमारा सिंबल होता है वो डायरेक्शन बताता है, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चौथा नंबर है, यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें प्रोग्राम बनाना लिखना आसान होता है, ठीक है, इसको छोड़ो। और इसके हम सिंबल देख लेते हैं, सिंबल फ्लो चार्ट के होते क्या। सबसे पहले जो हमारा टर्मिनल होता है ये ऐसे कुछ गोलाकार बना होता है, तो ये होता क्या है, ये एक अंडाकार सिंबल है, ठीक है, जो प्रोसेस को स्टार्ट या एंड करने के लिए यूज होता है। किसी भी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम सिंबल टर्मिनल ही होता है। सबसे पहले तो यह अंडाकार होता है, आपको ऐसे लिखना है, जो कि प्रोसेस को स्टार्ट या एंड करने के लिए यूज होता है। यह हम इसकी इस सिंबल का यूज़ हम प्रोसेस को या फिर स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर एंड करने के लिए, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टर्मिनल, अभी आपको इन शेप्स को ध्यान से देखना और समझना कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, और इससे भैया ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं आपको आगे सब बता दूंगा कितने ऑब्जेक्टिव कितने बनेंगे, सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ भाई मेरे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे तुरंत नंबर पे आप कमेंट करें, मेरे कमेंट बॉक्स से कमेंट पर डायरेक्ट मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये देखिए, ये कुछ समांतर चतुर्भुज जैसे सिंबल दिख रहा है, यह समांतर चतुर्भुज का सिंबल होता है जो कि रीड इनपुट या आउटपुट को शो करता है। इनपुट का मतलब आपको जैसे कोई वैल्यू रीड करानी है तो आपने इनपुट किया, और उसी को वैल्यू का आउटपुट कराना, प्रिंट कराना है,
तो उसको भी ये शो करता है, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल शो करता है। क्या पता एग्जाम में ऐसे पूछ ले ये सिंबल क्या करता है, ये सिंबल बना दे और पूछ ले वर्क किसका पूछ ले, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है जो 3 नंबर का, वो है प्रोसेसिंग का, कि यह एक रेक्टेंगल सिंबल होता है। ठीक, आयताकार सिंबल होता है, रेक्टेंगल जानते हैं आप इसे, जिसमें प्रोसेसिंग का इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसमें भैया प्रोसेसिंग के इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं, आपके प्रोग्राम का प्रोसेसिंग होती है, आप उसके इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये देखो, ये कुछ ऐसा बना होता है, इसको मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है शेप्स को। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऐसा कुछ बना होता है, ये डायमंड जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो इस सिंबल का जो यूज़ होता है भाई, कंडीशन शो करने के लिए किया जाता है, कि आप उस प्रोग्राम में कंडीशन क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सिंबल का यूज़ कंडीशन को शो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, आप बुक में भी देख लीजिए, आपके बुक में खैर इतने सिंबल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको फ्लो चार्ट एरो सिंबल, फ्लो लाइन से बोलते हैं, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे हम इसे बोलते हैं एरो। जो मैं पिछले आपको बताया था, फ्लो चार्ट के फ्लो का डायरेक्शन बताती है, यानी दिशा एग्जीक्यूशन का बताती है। कुछ इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं से भी हम एरो को ले जा सकते हैं, यानी दिशा बताती है। नहीं, जो 6वां नंबर का है, वो कुछ कनेक्टर होता है, ये कुछ गोला टाइप बना होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, फ्लो चार्ट अगर एक पेज से बड़ा हो, यानी आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, अगर वो एक पेज से बड़ा हो गया, तो आप इस गोले कनेक्टर की वजह से इसको दूसरे पेज पर जोड़ सकते हैं, यानी उसे अगले पेज पर कनेक्ट की सहायता से इसे जोड़ा जा सकता है। तो कनेक्टर होता है, जब अगर फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया, तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई आप कोई टॉपिक भी लिखते हैं ना, तो आप कुछ, जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर, आपने एक बड़े हेडिंग में लिख दिया कंप्यूटर, कुछ ऐसे बना के ऐसे आपने, सॉरी कुछ आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, अब यहाँ पे लिख दिया टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 टाइप्स, तो आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे खाने बनाए, वहाँ पे लिख दिया एनालॉग, यहाँ पे लिख दिया डिजिटल, यहाँ पे लिख दिया हाइब्रिड, फिर उसके प्रकार, तो ऐसे आपने मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको दर्शाया। यानी किसी भी हम चीज़ को, किसी भी हम प्रोग्राम को भी रख लीजिए, अभी किसी भी वस्तु को अगर हम फ्लो चार्ट यानी ग्राफिकल शेप्स में दर्शाते हैं, फ्लो चार्ट ही कहलाता है भाई, चाहे आप प्रोग्रामिंग में ले लो, चाहे आप जहाँ पे ले लो, कहलाए वो फ्लो चार्ट ही। अब यहाँ पे इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने कोई एक प्रोग्राम रहा है, आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी, ए बी प्रिंट करानी है, ग्रेटर दैन ऐसे कुछ करके प्रिंट करानी है, तो अगर आपको एक फ्लो चार्ट अगर आप पहले इसका बना लेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको बनाने में। ठीक है, तो पहले आप करें क्या मैं भाई, पहले आप बोला था प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कि हम प्रोसेस स्टार्ट करें, तो भाई आपको अंडा, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि हमें अंडा का वाला जो चिन्ह है, सिंबल था, हमको उसको स्टार्ट करना, तो हम उसको बना के लिखेंगे उसमें स्टार्ट। फिर एरो, एरो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, तो हमें एरो का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको ये बताना ज़रूरी नहीं कि भाई एरो कहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपको अब नीचे जो स्टेप लिखना है उसमें आप एरो तो लगाएंगे ही। ठीक है, अब ये जो समानता चतुर्भुज का चिन्ह था, मैंने बताया था वैल्यू को रीड करा था, इनपुट क्या इनपुट कराना है, क्या आउटपुट कराना है, ठीक है, प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू देंगे इसकी, जो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इसका, वो है ए कमा बी। ठीक है, इनके इनके बीच हमें ये प्रिंट करानी है, ए कमा बी प्रिंट कराना है, तो हम समानता चतुर्भुज जो सिंबल था हमारा, उसके अंदर लिखेंगे ए कमा बी, क्योंकि हमें इन्हें रीड कराना है, हमें इन्हें इनपुट कराना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है कंडीशन वाला, जो हमारा लगा कि हम डिसीजन जो लेता है, यहाँ पे इसके हम कंडीशन देते हैं, तो इफ़ ए ग्रेटर दैन बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, ये सिंबल डिसीजन वाला है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कंडीशन दी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हम लिख देंगे राइट ए, या फिर यहाँ पे डायरेक्शन हम लिख देंगे नो राइट बी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फिर वही अंडाकार वाला चिन्ह लगा के हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसा जो है समानता चतुर्भुज में लिखा राइट ए, मतलब हम वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, शो कराना है इसका, जो हमें आउटपुट कराना है, तो राइट ए कराना है, प्रिंट ए कराना है, या फिर प्रिंट बी कराना है। ठीक है, तो हम ये समानता चतुर्भुज के अंदर लिखेंगे। अब ये आपकी निर्भर करता है कि आप एरो से कहाँ पे दर्शाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ना कि आप दर्शाएं तो यहीं पे, अब यहाँ पर थोड़ा ना आप लिख देंगे कि राइट है, लिखेंगे आप इसके सामने ही या फिर इसके नीचे, ऐसा ही लिखेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट बनाने का भाई मेरा तरीका होता है, फ्लो चार्ट ऐसे ग्राफिकल तरीके से आप ग्राफिकल सेल्स को से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फ्लो चार्ट होता है, और एल्गोरिथम फ्लो चार्ट दोनों एक जैसे होते, मैंने आपको फिर बताया, फिर से मेरा एल्गोरिथम वाला वीडियो देख लीजिए भाई, मेरे सब समझ में आ जाएगा। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, या फिर क्या क्वेश्चन इससे पूछ जाता है, मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, तो आप इतना खाली, अगर आपको समझ में आया तो आप अच्छे से फीडबैक दें कमेंट में, हाँ सर समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। और हर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा यार इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ जाकर जरूर जाए, वहाँ पर मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ, और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अभी से मेहनत करने लगेंगे ना मेरे भाई, वीडियो का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ जो आप ढूंढते हैं ना,
कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी बस बुक पढ़ डालिए, हर एक क्वेश्चन रख डालिए, आप इधर उधर आपको पीडीएफ ढूंढने भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक हेडिंग को अपने दिमाग में बसाइए, क्योंकि मेरे भाई आप लोग जो पीडीएफ ढूंढा करते हैं ना, पीडीएफ को अगर आप भाई लेंगे तो क्या उसे पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं, जो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा ना, वो आपको पीडीएफ पढ़ के समझ में नहीं आएगा। वैसे भी आजकल के ज़माने में पीडीएफ यार फ्री कौन देता है, सब पैसे में बेचते हैं, ठीक है, जितने आपके यूट्यूबर सब पैसे में बेचते हैं। फिलहाल मैं कुछ बनाता नहीं, मैं हर टॉपिक वीडियो बना देता हूँ लेकिन मैं उसकी पीडीएफ नहीं बनाता, ठीक है। तो आपको समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।